हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो टुडे आई एम एट दी होंडा और ये होंडा का शोरूम है अपना खानपुर देवली रोड पे। सो बेसिकली आज जो अपने पीछे ये स्कूटी देख रहे हो आप, ये होंडा डियो 125। सो बेसिकली मैंने जब बैंगलोर में था ना, तो मैंने बेसिकली ये देखा कि भाई साउथ में होंडा डियो से बहुत लोगों को बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा लोग होंडा डियो की तरफ, जो यंगस्टर हैं वहाँ के, बहुत ज़्यादा होंडा डियो को पसंद करते हैं। बट बहुत टाइम से कोई अपग्रेड नहीं थे, हेलोजन लाइट्स वगैरह वही सारी चीज़ें थी। बट भाई अभी ये होंडा ने बहुत फ्यूचरिस्टिक सी, बहुत एक कहते हैं ना, एक आई कैची सी चीज़ बना दी है होंडा डियो के साथ। तो पहले होंडा डियो 100 सीसी में आती थी, अब इसको 125 सीसी की कर दिया। पावर के साथ साथ बहुत ज़्यादा लुक और डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं। सो वो चेंजेस है, एक बार कुछ सिनेमेटिक्स भी डाल रहा हूँ, वो सिनेमेटिक्स देखो, उसके बाद आपको सारे इसका मैं रिव्यू देता हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इसके इंजन स्पेसिफिकेशन है, इंजन कितना पावरफुल है, क्या है, और लास्ट में आपको प्राइस भी रिवील करेंगे। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. So ये देख लो, ये अपनी Honda Dio 125 जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल brand new और latest एकदम launch है Honda की side से। और भाई लुक देख रहे हो, क्या ज़बरदस्त लग रही है लुक वाइज। और जो कलर है ना, ये कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, नाडो ग्रे कलर है, बिल्कुल ही ग्लॉस कहते हैं, बिल्कुल ग्लॉस कलर है और पूरा ग्लॉसी में रहने वाला है अपना, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ब्लैक जो ग्लॉस ब्लैक एंड ग्लॉस ग्रे का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मतलब मेरे को पहली बार देख के लग रहा है कि हाँ भाई, मतलब बढ़िया कुछ चीज़ है ना, पता है ना, एक प्योर जो यंगस्टर बेस जो प्योरली होते हैं ना, कि भाई आदमी हो जो यंगस्टर लड़के हैं उनके लिए कोई चीज़ होंडा ने बनाई है, तो वो भाई ये बनाई है। क्योंकि भाई बहुत क्या होता था, होंडा एक्टिवा लेते नहीं थे क्योंकि भाई वो होते हैं लड़कियों के टाइप के हिसाब से है, तो वो नहीं परचेस करते। बट ये जो है ना, इसके एजेस शार्प इतने ज़्यादा और काफ़ी वाइड बॉडी के साथ है, तो बल्कि प्योरली मतलब अगर आप एक डेली आपको राइड करने के लिए, डेली आपको कॉलेज अप डाउन करने के लिए चाहिए और आप यंगस्टर हैं, तो आपके बिल्कुल ये सूट करती है होंडा डियो 125 जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसमें बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं। सो पहले देख लो, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED सेटअप मिल जाएगा फ्रंट में पूरा का पूरा, और साथ में आपको यहाँ पर हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। एक बार दिखाता हूँ आपको मैं, तो कुछ इस तरीके से आपके हेलोजन इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। एंड सेंटर में यहाँ पे आपको पूरा ग्लॉस ब्लैक पार्ट मिलने वाला है, यहाँ पे होंडा का लोगो मिल जाएगा एंड द ट्विन DRLs, तो आपको यहाँ पे दो आपको ये DRLs मिल जाएंगी अलग अलग, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे आपको फ्रंट ये वाइजर मिल जाएगा और ये भी पूरा आपका ग्लॉस ब्लैक रहने वाला है, और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे पार्ट मिल जाएगा इधर, एंड यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर टाइप फिनिश मिल जाएगी ये मैट ब्लैक में। सो ये आप फ्रंट से देख सकते हो यहाँ पे, एंड जो मडगार्ड है आपका, सो मडगार्ड भी दिखा देता हूँ आपको एक बार में। सो बेसिकली ये मडगार्ड भी पूरा का पूरा आपका ग्रे रहने वाला है, कोई भी इसमें ब्लैक पार्ट या मैट ब्लैक फिनिश यूज़ नहीं करा गया है, और मडगार्ड भी बहुत ही अच्छा है अपना पूरा, आई थिंक ये मैटलिक नहीं, ये थोड़ा प्लास्टिक का है, तो ये अच्छी चीज़ है कि भाई ये मैटलिक नहीं दिया, क्योंकि मैटलिक में क्या होता है ना कि यहाँ पर रस्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। मैंने काफ़ी ऐसे स्कूटर देखे हैं जिसमें यहाँ पर रस्टिंग आ जाती है मेटल के होने की वजह से, और वो बेंड भी बहुत जल्दी होते हैं। बट प्लास्टिक की चीज़ क्या होती है ना, फाइबर में बेंड नहीं होते चीज़, और जल्दी इसमें रस्टिंग का कोई इशू आता नहीं है। और बाकी यहाँ पे एज अ सेफ्टी पर्पज़ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे, जो कि अब न्यू जो नॉर्म्स आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे हर बाइक हर स्कूटर के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, तो वही चीज़ है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ अ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहे हैं, जो बाइक से अंदर आते हैं वही सस्पेंशन आपको यहाँ पे एक स्कूटर के अंदर भी मिल रहे हैं। सो वही चीज़ें यहाँ पे आपकी, इससे क्या होता है राइड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और बात करें फ्रंट व्हील की, तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिल रहा है और फ्रंट में एम्बर आपका टायर मिल रहा है, जैपर टायर, जो कि सिटी के लिए बहुत बढ़िया टायर है। एंड टायर साइज़ की बात करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 90x90 12 इंचेस का व्हील, सो 12 इंचेस का आपको अच्छा खासे व्हील यहाँ मिल रहा है, 90 की वाइडनेस, 90 का वॉल साइज़ मिल रहा है, सो काफ़ी अच्छे वाइड मतलब चौड़े टायर दे रखे, जो ये बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में चौड़े टायर, तो चौड़े टायर दे रखे हैं जिससे कि अच्छी आप कॉर्नरिंग कर सकते हैं और अच्छी आपको राइड मतलब एक रोड ग्रिप बहुत अच्छी मिलने वाली है। और साथ में MRF का जैपर टायर है, तो जो कि सिटी के लिए बहुत बेस्ट टायर होते हैं, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत बढ़िया टायर होते हैं। और अपनी ये वाली जो है, ये अपना क्या कहते हैं मतलब वेस वेरिएंट है, जिसमें आपको यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। टॉप वेरिएंट जाओगे तो यहाँ पे आपको एलॉय के साथ डिस्क भी मिल जाएगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ तरीके से यहाँ पे आपको ये स्प्लिट पार्ट दे रखा है, यहाँ पे ये देख रहे हो कुछ, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लुक बना रहा है। और यहाँ पे ये पूरा मैट ब्लैक है, ये पूरा ग्लॉस अपना ग्रे रहने वाला है, यहाँ पे भी कार्बन फाइबर फिनिश की कुछ दी गई है, और यहाँ पे कुछ एयर इनटेक टाइप बना रखा है, जो कि पर्सनली वर्किंग नहीं है बट फॉर अ लुक बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ये आप देख सकते हो। और बाकी मिरर्स दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार आपको उसके, तो मिरर्स कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे, मिरर्स काफ़ी इनफ वाइड है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छे खासे मिरर देखें, अच्छी खासी आपको इसमें मतलब व्यू मिल जाएगा। और की बात करूँ तो एक बार की दिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपको प्रॉपर जैसे होंडा की आती है ना पर्टिकुलर, तो वही आपको सेम वैसे होंडा की मिलने वाली है। जो इतने सारे स्कूटर्स हैं ऑलमोस्ट सबकी की ऐसी ही आती है, तो वो आपको की वैसे भी इसकी भी वैसे ही सेम टू सेम मिल जाएगी। यहाँ पे ऑन ऑफ फ्यूल का, यहाँ से फ्यूल आप ना ओपन कर सकते हैं, सीट ओपन कर सकते हैं, बाकी यहाँ से ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे इग्निशन पे आ जाएगा। और मीटर की बात करें तो इसमें आपका फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, दो पार्ट में, जिसमें नीचे आपका मतलब फ्यूल ट्रिप एंड टाइम आ जाएगा और ऊपर आपकी स्पीड, और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन का यहाँ पे आपको ये बैजिंग सी दे रखी है ताकि आप भूलो ना कि फ्यूल इंजेक्टेड वाली स्कूटर आपके पास है। बाकी एक बार स्टार्ट करके स्टार्ट करते हैं, तो ये देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल साइलेंटली स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आपके साइड में ये पूरे आरपीएम्स भी आ रहे हैं, देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको पूरे आरपीएम भी मिलने वाले हैं इसके अंदर। और यहाँ से ये अपना जो है ना ऑटो कट ऑफ वाला यहाँ पे भी बटन भी दे रखा है, ये देख लो, जिसमें कि आप ब्रेक मतलब अगर आप रेडलाइट पे रुकते हैं ना, तो यहाँ से ये ऑटो कट ऑफ ऑन और ऑफ का ऑप्शन दे रखा है। जैसे कि रेडलाइट पे अगर रुकते हैं तो आपका स्कूटर ऑफ हो जाएगा, सिंपली अगर आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आपकी फ्यूल मतलब माइलेज और ज़्यादा इंक्रीज होगी, आपकी फ्यूल काफ़ी ज़्यादा सेव होने वाला है। और यहाँ पे भी आपके पूरा ये देख सकते हो, तो सिल्वर फिनिश में आपको ग्लॉस सिल्वर में पूरा दिया हुआ है, सेंटर में होंडा का लोगो दिया हुआ है। एंड यहाँ पे भी ये सारे स्विचेस देख लो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, हाई बीम लो बीम एंड इंडिकेटर हॉर्न। और यहाँ पे पूरा कार्बन फाइबर टच दिया हुआ है, सेम यहाँ पे भी कार्बन फाइबर टच दिया हुआ है। और आपका स्कूटर इसी से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके यहाँ से, तो यहाँ से ये इसी में सेल्फ स्टार्ट दिया हुआ है, तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें आप। और एक बार आपको इसकी सीट ओपन करके और दिखा देता हूँ, तो यहाँ से सीट अपनी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको 20 लीटर्स की कैपेसिटी मिल जाएगी इजीली। अब यहाँ पे आप अपना हेलमेट इसमें आराम से रख सकते हो, तो यहाँ पे आपका इजीली हेलमेट आ जाएगा और साथ में थोड़ा बहुत और सामान अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर देते हैं बंद, तो ये बंद हो गई। और सीट अपनी देखोगे तो काफ़ी वाइड इनफ सीट्स आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं, काफ़ी वाइड है, ये देख लो कितनी ज़्यादा वाइड सीट्स हैं, फ्रंट एंड रियर दोनों साइड काफ़ी वाइड सीट्स हैं। और ईज़िली आराम से राइडर एंड पिलियन ईज़िली आराम से बैठ के आप सिटी के अंदर कहीं पे भी अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 125 सीसी है तो पावर भी अच्छी। पावर के साथ 125 सीसी का फ़ायदा क्या होता है कि माइलेज आपकी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा हार्स एक्सेलरेट नहीं करना पड़ता, तो आपको कम एक्सेलरेशन के अंदर अच्छी पावर मिल जाती है, तो उससे माइलेज आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो एक चीज़ है। और प्रॉपर जो होंडा डीओ के अंदर जो इसकी कहते हैं ना एजिस वाला डिज़ाइन होता है डीओ का, तो वो प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड करा है, वो कहीं पे भी होंडा ने मिस नहीं किया। यहाँ पे इसे ग्रैबल्स देखोगे तो वही जो पहले आते थे वो आज भी उसी तरीके से हैं, थोड़े से वाइड और कर दें हैं, तो और थोड़ी सी ये वाइड कर दिया जो उसके पार्ट्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दिया है, थोड़ी बड़ी लगती है देखने में और ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो बेसिकली यंगस्टर को कुछ चाहिए भी ऐसा होता है, जितने भी यंगस्टर लड़के हैं ना सबको चाहिए भी ऐसी चीज़ होती है जो वाइड हो और जो बढ़िया लगे। बाकी यहाँ पे क्रोम में आपको पूरे फुटरेस्ट दे रखे हैं मतलब पिलियन के लिए, रेडर तो अपने यहाँ पे रख ही लेगा। और यहाँ पे भी एक होंडा का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है और सेंटर स्टैंड है, साइड स्टैंड भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब एक बार आपको रियर से भी दिखा देता हूँ, तो रियर लाइट भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। सो बेसिकली रियर में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, स्प्लिट में मिल जाएंगी लाइट्स। एंड यहाँ पे भी कार्बन फाइबर का पूरा टच दिया हुआ है इधर। एंड यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा आपका हेलोजन, और ये रियर आपको पूरा मडगार्ड मिल जाएगा। अब एक बार रियर टायर दिखाता हूँ आपको मैं। सो रियर टायर भी आई थिंक सेम साइज़ मिलने वाला आपको, तो चेक कर लेते हैं एक बारी। यस, तो 90x100 और आई थिंक ये 11 है, ये 12 है। तो रियर आपको टायर थोड़ा सा एक साइज़ छोटा मिलेगा, तो 90x100 सेक्शन का आपको टायर मिलेगा। फ्रंट में आपको 12 इंचेस का है और रियर में आपको 11 इंचेस का व्हील आपको मिल जाएगा। बाकी वाइडनेस आपकी 90 रहने वाली है। यहाँ पे वॉल साइज़ ज़रूर इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि टायर साइज़ छोटा हुआ तो वॉल साइज़ आपका इंक्रीज़ हो गया यहाँ पे, तो वो एक चीज़ है। और आपको यहाँ पे डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे दो बैरल दिए हुए, एक एरा, तो दो बैरल आपको दिए हुए हैं, इससे आपका एग्जॉस्ट नट थोड़ा और बेसी हो जाए और स्पोर्टी एग्जॉस्ट नट हो जाए। क्योंकि आजकल यार सबको यंगस्टर्स को मतलब एग्जॉस्ट नट जो होता है ना वो थोड़ा स्पोर्टी और थोड़ा बेसी चाहिए होता है, तो वो चीज़ आपने यहाँ होंडा ने यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ पे एक प्रॉपर आपको एक कवर दिया हुआ है जो कि ये शायद एलुमिनियम का लग रहा है, तो एक ये चीज़ है यहाँ पे पूरा लगा के दिया हुआ है जो कि बढ़िया लग रहा है। अब आपको इसका इंजन और दिखा देता हूँ, 125 सीसी का जो इसमें इंजन दिया हुआ है। सो बेसिकली ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 125 सीसी का 8.6 bhp वाला इंजन मिल जाएगा होंडा का, जो कि इंजन होंडा के जो इंजन होते हैं काफ़ी रिलायबल होते हैं, काफ़ी टेस्टेड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से 1-1 लाख किलोमीटर तो आराम से चल जाते हैं। बट आपको सर्विस अच्छी जगह से कराओगे, ओरिजिनल पार्ट यूज़ करोगे, तो अगर आप सारे लोकल पार्ट डलवाओगे तो बात अलग है। बाकी किक स्टार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, एंड रियर में भी आपको एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक्स मतलब सस्पेंशन मिल जाएगा, और अपने अकॉर्डिंगली इसको आप सॉफ्टनेस हार्डनेस यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। और रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं, तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आपका यहाँ पे यूज़ होगा,
वही देख सकते हो। एंड यहाँ पे वन डी ओ 125 की बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ देख लो एनहांस स्मार्ट पावर, तो यहाँ पे एक बैजिंग दे रखी है, कुछ में टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, बाकी फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, बॉटल्स वगैरह आप रख सकते हो। एक बार फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, ये देख लो यहाँ पे, तो यहाँ से अपना थोड़ा सामान रख सकते हो। और यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है जिसमें कि आप थोड़ा बहुत सामान अगर आपको टांगना है तो यहाँ से आप लेके जा सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो ये अपनी होंडा डीओ 125 बिल्कुल न्यूली लॉन्च है होंडा की साइड से। अब एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट और सुना देता हूँ, उसके बाद आपको इसका प्राइस भी बताता हूँ। तो यहाँ से लेते हैं सेल्फ, ब्रेक दबा के साइलेंटली स्टार्ट हो गया, बिल्कुल कोई सेल्फ की आवाज़ नहीं आई। ये देखो तो ये धीरे से अपना डाउन हो गया, जैसे ही इंजन ने टेम्परेचर अपना लिया सो वहाँ से RPM डाउन हो गए, क्योंकि भाई ये इसमें ऑटो चोक का सिस्टम होता है तो उस हिसाब से होता है। थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ देते हैं, देखो ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको कर देते हैं यहाँ से ऑफ। अपना ये जो स्कूटर है ये अपना मालवा होंडा खानपुर देवली रोड पे अवेलेबल है, होंडा डीओ 125 बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट दोनों वेरिएंट अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए अपने डील को आके यहाँ से फाइनलाइज कर सकते हैं, यहाँ से बुक कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से आके अपने डील को फाइनलाइज कर लो और बुक कर लो अपना स्कूटर। और बात करते हैं इसकी ऑन रोड डेली प्राइस की, तो 96,400 रुपीज़ ऑन रोड डेली प्राइस इसका है। बट इसमें ऐसे आपको कोई और ऑफर और औसत डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल न्यूली लॉन्च है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अंडर 1 लाख आपको मिल रहा है एक 125cc का बहुत ही गुड लुकिंग स्कूटर। सो आप देख सकते हो, अगर आपको लेना है तो ये नाडो वगैरह बहुत बढ़िया कलर है, मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। आके आप बिल्कुल यहाँ पर फाइनलाइज कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अगली अच्छी वीडियो में। टिल देन सी यू, ओके बाय।